हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी शम्मक, जिसके लिए देखिए यहाँ पर हमें चाहिएगा एक कटोरी शम्मक। इसके बाद में एक कटोरी में यहाँ पर मैंने एक गाजर को कद्दूकस किया है, एक पनीर है जिस यहाँ पर पनीर को बारीक कट कर लिया है, एक आलू है जिसको बारीक कट किया है। इसके बाद में थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और 4 से 5 हरी मिर्च को मैंने यहाँ पर बारीक कट किया है। अब हम इस रेसिपी को इतने अच्छे तरीके से बनाएंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। शामक तो आपने बहुत खाए होंगे लेकिन ऐसा नहीं खाया। यहाँ पर शामक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जो हमने पनीर को बारीक कट किया था, ये देखिए मैंने कढ़ाई के अंदर यहाँ पर घी लिया है और इनको हम अच्छे से यहाँ पर फ्राई करेंगे। ये जब तक ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हम इनको अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर देंगे। और इसके बाद में हम जो हमने आलू कट किया है उसको भी हम यहाँ पर फ्राई कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ पर पनीर है वो बिल्कुल फ्राई हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन कलर का हो चुका है। अब हम इनको यहाँ पर घी से बाहर निकाल लेंगे। हमारे यहाँ पर आलू को फ्राई करेंगे, इसको भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे तब हम इनको यहाँ पर घी से बाहर निकाल लेंगे। इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पर ये उबला हुआ आलू लिया था और जिसको मैंने यहाँ पर बारीक कट किया था। अब ये देखिए हमने यहाँ पर आलू को बाहर निकाल लिया था। अब इस कढ़ाई के अंदर हमारा घी पहले ही है तो इसके अंदर अब हम जीरा ऐड करेंगे। ये देखिए और इसको हम ब्राउन होने तक इसका वेट करते हैं। ये देखिए ब्राउन होना हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। देखिए ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर हमारी जो हमने हरी मिर्च को बारीक कट किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है और ये फ्राई भी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर यहाँ पर ये देखिए मैं वर्त वाला नमक यहाँ पर सेंधा नमक इसके अंदर ऐड करूंगी टेस्ट के लिए। इसको हम इसके अंदर अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखिए अब हम इस पानी को यहाँ पर बॉयल होने देंगे। हमारा यहाँ पर ये देखिए पानी बॉयल हो चुका है। यहाँ पर अब हम इसके अंदर हमारा शामक है ये ऐड करेंगे। अच्छे से इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे और अब हम इसको यहाँ पर ढककर पकने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा शामक यहाँ पर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर रायता लिया है। यहाँ पर ये खीरे का रायता है जिसके अंदर काली मिर्च और वर्त वाला नमक है ऐड किया है। और इसके बाद में ये देखिए आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये टमाटर और हरी धनिये की यहाँ पर चटनी है। आप इस मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड माई वीडियो।